तो सेल एक प्रकार का उपकरण है जिसमें हम एनर्जी को स्टोर करते हैं। दो या दो से अधिक सेलों को जब आपस में जोड़ देते हैं तो वो बैटरी बन जाती है, सिंपल सा, ठीक है ना। सेल और बैटरी में अंतर क्लियर है। सेल वह उपकरण है जिसमें हम एनर्जी को स्टोर करते हैं, है? चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं। और बैटरी दो या दो से अधिक सेलों को आपस में जब जोड़ देते हैं तो वो क्या है, बैटरी बन जाती है। क्लियर। सेल बैटरी में यही फर्क है, वर्क दोनों का सेम है। बैटरी और सेल जान गए ना। अब ये जो है, ये अब ये एक सेल मानो, ये एक सेल है, 4 वोल्ट का एक सेल है, दूसरा सेल ये है, तीसरा सेल ये है, चौथा सेल ये है। इन सबको जोड़ देंगे या तीनों को जोड़ देंगे या दो को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगी, बैटरी बन जाएगी। अब इसको हम सेल नहीं बोलेंगे, इसको हम बैटरी बोलेंगे, समझ गए। क्लियर। और बस तीन, ये क्या है, सेल है, इसे हम सेल कहेंगे। अब तीन सेल जो हमारा, एक सेल मान लो हमारा है 4 वोल्ट का, ठीक है ना, 4 वोल्ट, तीन सेल है। अब इसको हम जोड़ेंगे। बैटरी में दो पॉइंट होते हैं, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, ठीक है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव। पहचान कैसे करते हैं, पहचान के कई तरीके हैं, या उस पर पॉइंट बना रहेगा रेड और ब्लैक। तो ब्लैक हमेशा बताया है मैंने न्यूट्रल होता है या नेगेटिव होगा, रेड वाला जो पॉइंट होगा हमेशा पॉजिटिव होगा या फेस होगा। एसी में जाएंगे तो फेस होगा, डीसी में जाएंगे तो पॉजिटिव पॉइंट होगा, ठीक है ना। या फिर तारे निकली रहेंगी, या फिर उसमें लिखा रहेगा बकायदे प्लस और माइनस, तो माइनस है तो नेगेटिव है, प्लस है तो पॉजिटिव है, समझ गया। अब इसको हम ज्वाइंट करेंगे, जोड़ेंगे। तो पहला जब वोल्टेज बढ़ानी होती है, जैसे 4 वोल्ट का ये है, 4 वोल्ट का ये 4 वोल्ट का है, अगर हमको 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए, ठीक है, 12 वोल्ट की, तो तीन बैटरियां लेके आएंगे हम, 4-4 वोल्ट की, 4-4 वोल्ट के तीन सेल लेके आएंगे, 12 वोल्ट हो जाएगा। अब कैसे जोड़ा जाता है, बैटरी को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है, तब वोल्टेज बढ़ जाता है। तो सीरीज का मतलब, पहले हमने एक नेगेटिव पॉइंट पकड़ लिया, अब सीरीज इसके पॉजिटिव से इसके नेगेटिव को जोड़ते हैं, वही सीरीज होता है, ठीक है ना। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट और उसका नेगेटिव पॉइंट हमने जोड़ दिया। फिर बचा ये, अब इसका कौन सा पॉइंट है, पॉजिटिव, फिर इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव हमने जोड़ दिया। अब हमारे पास कितने पॉइंट बच गए, आ गए, ये आ गया हमारा माइनस, ये आ गया हमारा प्लस, हमारे पास दो पॉइंट मिल गए, प्लस और माइनस। अब इनकी जो वोल्टेज होगी वो हो जाएगी 12 वोल्ट, ठीक है ना, 12 वोल्ट डीसी। अब 12 वोल्ट हो गया डीसी, यानी कोई भी हमारा ऐसा उपकरण है जो 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है तो हम ऐसे कनेक्शन कर देंगे। अब बैटरी में एक और चीज होती है, आपने देखा होगा उस पर लिखा रहता है AH, ठीक है ना। AH जो होता है वोल्ट, जो वोल्ट है वो तो कितने वोल्ट का है, AH क्या होता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, इसका है ये 2 AH है, ठीक है, ये भी 2 AH है, ये भी 2 AH है। अब इसमें क्या होगा, जब हम सीरीज में कनेक्शन कर देंगे तो 12 वोल्ट होगा, लेकिन AH जो है ये इतना ही होगा, 2 AH, यानी इसकी जो काम करने की क्षमता है, वोल्ट बढ़ गया है लेकिन जो काम करने की क्षमता है वो उतनी ही रहेगी, 2 घंटे, 2 एम्पियर 1 घंटा, 2 एम्पियर पर घंटा, समझ गए। अब ये हो गया, अब ये हो गया सीरीज कनेक्शन। अब इसी में हम एक और कनेक्शन करते हैं बैटरी के साथ, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, वोल्ट वही होता है लेकिन AH बढ़ जाएगा। सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज बढ़ता है,
एएच वही रहता है और पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज वही रहता है, एएच बढ़ जाता है। तो अब इसमें क्या होगा, अब देखो ये है पैरेलल, पैरेलल में क्या होगा, वोल्टेज वही रहेगी क्योंकि इसमें क्या है, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, वोल्टेज यही रहेगी, वोल्टेज यही रहेगी, लेकिन एएच बढ़ेगा। दो एएच ये है, दो एएच ये है, दो एएच है, तो इसकी कैपेसिटी 6 एएच यानी 6 एम्पियर एक घंटा चलेगा पूरा, यानी इस पर इतना हम लोग डाल सकते हैं, 6 एम्पियर एक घंटा चलेगा, यानी 3 बल्ब जलाएंगे तो वो चलेगा पूरा एक। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, चलेगा उतना ही, सीरीज कनेक्शन में 2 एम्पियर एक घंटा चलेगा, लेकिन उसकी वोल्टेज बढ़ जाएगी सीरीज कनेक्शन में, 4 4 8 4 12 12 वोल्ट का हो जाएगा, ठीक है ना, अल्टरनेटिव करंट, ठीक है ना। और जो डीसी होता है वो सीधी रेखा में चलता है, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, ठीक है, सीधी डायरेक्ट करंट, समझ लो सीधा पश्चिमा जाना है, तो जो हमारा रोड है वो डायरेक्ट है, एकदम डायरेक्ट करंट है, सीधा सड़क पकड़ेंगे सीधा चले जाएंगे। वही अमीला जाना है, बोझी जाना है, तो वो एसी है, एसी का मतलब है ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे जाएंगे फिर इधर मुड़ेंगे फिर इधर मुड़ेंगे, तो वो ऐसे जिगजैग है, सिंपल सा है, वो एसी है। और डायरेक्ट है, सीधा रोड पकड़ा, एकदम आंख बंद करके सीधा अपने स्थान पे पहुंच गए, वो है डीसी यानी डायरेक्ट करंट। क्लियर है ना, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट, तो इसको लिख लेना, एसी अल्टरनेटिव करंट, डीसी डायरेक्ट करंट, सिंबल भी लिख लेना आगे, क्योंकि जो भी सामान लोगे ना, कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण लोगे तो उसके खोल के देखना, उसे उस पर सिंबल बना रहता है, यानी ये डीसी पे यूज होने वाला है या एसी पे यूज होने वाला है। बहुत सारी चीजों को हम डीसी पे यूज नहीं कर सकते हैं और बहुत सारी चीजों को हम एसी पे यूज नहीं कर सकते हैं, जो हमारे उपकरण है उन पे बना रहेगा, एसी पे यूज करने वाला है या डीसी पे यूज करने वाला है। हमारी जो बैटरी है ये डीसी बैटरी होती है, अब इससे हम चाहें कि अगर एसी लाइन जलाना चाहें तो वो नहीं जलेगा, एसी डीसी समझ गए ना, सिंपल वे में मुझे जाना है डायरेक्ट अपने घर, सीधा रास्ता है वो एसी है, वो सॉरी वो डीसी है, डायरेक्ट करंट। और एसी अगर मैं घूम घूम के जा रहा हूँ, जिग जिग करके इधर मुड़ा फिर इधर मुड़ा फिर लेफ्ट मुड़ा फिर राइट मुड़ा, ऐसे जाऊंगा। एक ये है उपकरण, ये इलेक्ट्रिशियन, जैसे मैं कहता हूँ ना, एक आई कार्ड जो है वो हमारा टेस्टर है, फिर टूल्स जो है हमारे हैं, इसको ड्राइवर हो गया, टेस्ट लैंप हो गया और प्लायर हो गया। उसके बाद जब थोड़ा सा और एडवांस जान जाओगे काम, यानी जिसको कहते हैं कारीगर आदमी, उस्ताद जी, तो कारीगर जो आदमी है उसको ये मिल जाता है। जैसे पोस्ट बढ़ती है ना, तो आपकी पोस्ट डाउन है तो आपको 4 चीजें मिलेंगी, टेस्ट लैंप वगैरह, थोड़ा सा आप जब काम जान जाओगे तो ये मिलेगा। ये जब काम जानने के बाद मिलता है, क्यों कि अगर आपको पूरी तरीके से काम नहीं पता है तो इसको आप खराब कर सकते हो, ठीक है ना। खराब इसलिए कर सकते हो कि एम्पेयर पे लगा के वोल्ट चेक करोगे पटाखा बच जाएगा, कहीं रेजिस्टेंस पे लगा के वोल्टेज में घुसा दोगे पटाखा बच जाएगा, जहाँ पे एसी वोल्टेज चेक करना है वहाँ पे डीसी चेक करोगे तो ये खराब हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज है। तो जब अच्छी तरीके से आप हर चीज के बारे में जान जाओगे कि एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, एम्पेयर क्या होता है, कहाँ पे हमको इसको किस जगह रख के क्या चेक करना है, तब आप इसका यूज करोगे। क्लियर। तो ये भी जो इलेक्ट्रिशियन होता है इसको यूज करता है। इसमें भी हम क्या चेक करते हैं, एक चीज एक्स्ट्रा चेक करते हैं, एम्पियर। सबसे पहले हम
वोल्ट चेक करेंगे, एसी वोल्ट, दूसरा डीसी वोल्ट, तीसरा रेजिस्टेंस और चौथा एम्पियर। ठीक है ना, किसी भी तार में किसी भी उपकरण में बहने वाला करंट चेक करते हैं। अब इसको क्लैंप मीटर कहते हैं क्योंकि ये क्लैंप होता है। एम्पियर चेक करने के लिए मैंने एक और बताया हमारे पास मीटर है, कौन सा वो एनलॉक मीटर, सुई वाला मीटर, उसको एनलॉक मीटर कहते हैं, सुई वाला मीटर। अब उसको अगर किसी तार का एम्पियर चेक करना है तो हम क्या करते हैं, कैसे कनेक्शन करते हैं, तार को बीच से काटेंगे, फिर एक इसके दो पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट इधर लगाएंगे एक पॉइंट इधर लगाएंगे, तो जितना करंट बह रहा है उससे बह के जाएगा तो वो बताएगा, ये है। लेकिन अगर मान लो केबल है, केबल का चेक करना है या कोई तार लगी हुई है उसका चेक करना है, तो हम उस तार को बीच से काटेंगे, तार खराब हो जाएगी। तो ये बनाया गया क्लैंप मीटर। क्लैंप मीटर में फंक्शन वही है, कौन सा फंक्शन, सीटी वाला। ठीक है, सिटी क्या बताया मैंने, एक सिटी में गोल कॉयल होती है उसके बीच से तार गुजार दी जाती है। अब ये सिटी बन गया है, ये समझो गोल कॉयल है, इसके बीच से हम तार गुजार देंगे तो यहाँ पे जो नंबर है ये बताने लगेगा कितना एम्पियर जा रहा है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको हम क्लैंप कहते हैं, क्लैंप मीटर। यानी कहीं भी तार को चेक करना है तो हम इसको यूं खोलते हैं और क्लैंप लगा देते हैं। तो इसके अंदर जो तार जाती है, समझ लो कि इसके अंदर ये तार गई, कोई भी तार, इसके अंदर ये तार गई। ठीक है ना, ये तार गई इसके अंदर। अब इस तार में कितना करंट बह रहा है यहाँ पे शो करने लगेगा, और इसको जो ये रोटरी स्विच है इसको हम उसी पे लगा देंगे, यानी एम्पियर पे। तो एम्पियर का यहाँ पे सिंबल दे रखा है, देखो लिखा है एसी ए, एसी ए यानी एसी एम्पियर। ठीक है ना, अब एसी एम्पियर पे हम लगा देंगे, 200 एम्पियर है, 1000 एम्पियर है, जितनी रिक्वायरमेंट है, यानी 200 मुझे मालूम है कि यहाँ पे 200 एम्पियर से कम रहेगा तो 200 पे लगा देंगे, मुझे पता है कि ये 200 एम्पियर पे ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे 200 एम्पियर 1000 एम्पियर पे लगा देंगे, सेलेक्ट अपने आप करना है। तो हमने 200 एम्पियर पे लगाया और जहाँ पे ये 0-0 आ जाएगा उस तार में हम ऐसे, ये तार है अब इस तार को हम ऐसे जाके क्लैंप कर देंगे। अब क्लैंप करेंगे जितना करंट इस तार में बह रहा है यहाँ पे शो करने लगेगा। क्लियर, हमें तार अलग से काट के लगाने की जरूरत, जो एनालॉग मीटर है उसको लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर उसके बाद आता है एसी वी, एसी वोल्ट। अब एसी वोल्ट और डीसी वोल्ट दो हैं, तो एसी वोल्ट कहीं कहीं क्या होता है, वोल्ट लिखा रहता है, एसी नहीं लिखा रहता है, तो वहां पे सिंबल बनाया रहता है जिगजैग वाला, ऐसे ऐसे ऐसे, तो बता दिया उसका मतलब क्या है, एसी है। तो वोल्ट लिखा रहेगा और जिगजैग बनाया रहेगा, इसका मतलब वहां पे हम एसी वोल्ट चेक करेंगे। तो सेलेक्टर स्विच को फिर हम यहां पे सेलेक्ट कर देंगे एसी वाली जगह पे। अब हम वोल्टेज चेक करेंगे, जब एसी लिखा हुआ है तो अब ये वोल्टेज चेक करने के लिए ये दो तारे हैं, इस तार को हम स्विच सॉकेट में घुसा देंगे, जितना वोल्टेज आ रहा हुआ यहां पे हमारे शो करने लगेगा। ठीक है ना, ये है डिजिटल मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर। एक आता था एनालॉग मल्टीमीटर सुई वाला, वो खत्म हो गया, उसका जमाना चला गया, तो अब ये डिजिटल, सारी चीजें आजकल डिजिटल हो रही है, डिजिटल बना दिया गया। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपका डीसी वोल्ट। अब इस पर लिखा हुआ है डीसी वोल्ट, कहीं कहीं डीसी नहीं लिखा रहता है, वोल्ट लिखा रहता है और उसके नीचे सीधी लाइन बनी रहती है, उसका मतलब है ये डीसी वोल्ट है। हम डीसी वोल्ट क्या क्या चेक कर सकते हैं यहाँ पे, वोल्टेज, डीसी वोल्ट का वोल्टेज चेक करते हैं, यानी बैटरी हो गया, हमारे घर में बड़ी बैटरी लगी हुई है या छोटे सेल हो गए हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डीसी से चलता है तो डीसी वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, डीसी हो गया, फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे 200 और बीप बना हुआ है और ओम का साइकिल बना हुआ है। ओम का मतलब होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऐसा उसका सिंबल होता है। तो हम क्या करेंगे, इससे हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे, इसके दो पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट उसके एक सिरे पे लगाएंगे, दूसरा पॉइंट उसके दूसरे सिरे पे लगाएंगे। अब इसमें भी वही चीज है, इधर से करंट निकलेगा, छोटा करंट है, और इधर से आउट होगा। तो इधर से जो करंट निकलेगा, अब यहां पे हम चेक करेंगे दूसरे सिरे में कितना करंट आ रहा है,
यानी इधर से करंट गया, मान लीजिए 220 वोल्ट गया और चला, जाते जाते वहां पे कुछ ना कुछ ड्रॉपिंग हो जाएगी क्योंकि वो कुछ दूरी तय कर रहा है, ठीक है ना। तो जब ड्रॉपिंग आएगी तो वहां पे ये रेजिस्टेंस बताएगा कि इस उस सर्किट उस कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है। तो रेजिस्टेंस वो हो गया। अब इससे हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब है कि कोई चीज उसका रेजिस्टेंस कितना है, वो बॉडी के साथ, बोर्ड जब मोटर का काम आप करोगे तो बॉडी के साथ अर्थ तो नहीं है। जो हम काम सीरीज से करते हैं वही काम इससे करेंगे, लेकिन इससे क्या परफेक्ट काम होगा सीरीज।